हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू स्वागत करती हूं आप सभी का संडे गार्डन अपडेट में। आज है जनवरी की 21 तारीख। हमारे यहां 4 दिनों से धूप नहीं निकली है, मौसम काफ़ी ख़राब है और बारिश भी हुई थी 2 दिन, तो काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे ख़राब भी हो रहे हैं इस वजह से। आपके यहां मौसम कैसा है कॉमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये देखिए, ये है चाइनीज़ ऑरेंज और ये भी पकने लगे हैं, 2 हमने तोड़ लिए हैं। वैसे इन्हें तोड़ने का मन नहीं करता, ये प्लांट्स पर लगे हुए ही बहुत सुंदर लगते हैं और इसी वजह से इन्हें ऑर्नामेंटल ऑरेंज भी कहते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ टूटे हुए टब में मैंने कुछ सक्यूलेंट्स प्रोपगेट किए हैं, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं ये। और यहाँ पर है हमारे बहुत ही सुंदर से गजेनिया के फ्लावर्स। और यहाँ पर ऑरेंज हिबिस्कस में 3 फूल खिले हुए हैं अभी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आप परमानेंट प्लांट्स देख रहे हैं अपने गार्डन के लिए जो साल के 12 महीने फूल दें, तो आप हाइब्रिड हिबिस्कस ज़रूर लगाएं। आजकल नर्सरीज में हाइब्रिड हिबिस्कस के ढेर सारे कलर्स और वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये है हमारे बटन रोज़ का प्लांट, जिसके जो फ्लावर्स हैं वो बारिश की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो मैं इस तरह से इन्हें कट कर देती हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर छोटे से टब में लगे हुए हैं आइस प्लांट्स, तो अभी इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं की है, बहुत ही जल्दी इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं अभी इनमें, देखते हैं इस बार कितने सक्सेसफुली ये बढ़ पाते हैं और पक पाते हैं। फ्रूटिंग के साथ साथ लगातार फ्लावरिंग भी हो रही है इनमें और प्लांट्स तो काफ़ी हेल्दी ही हैं। और इस तरफ मैंने डहलिया के गमले में वर्बीना लगा दिए थे, जिनको मैं बिलासपुर के नर्सरी से लेकर आई थी, छोटे छोटे से सैपलिंग्स थे, तो इनमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। और यहाँ पर ये वही डहलिया है जिसके फ्लावर्स जो है वो टूट गए थे, तो इस तरह से मैंने रस्सी से इनको बांध दिया है और सपोर्ट भी दे दिया है। और यहाँ गुलाब के पौधे में भी एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, बहुत ही बिग साइज़ का, तो इसके जो फ्लावर्स हैं काफ़ी लंबे समय तक पौधे पर बने रहते हैं। और नीचे की तरफ एक गमले में ये खरपतवार की तरह उगाया है, इसे छत्तीसगढ़ में हम तीवरा कहते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर भी किया था। और ये देखिए, इनकी फलियां जो हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, इनमें दाने बन गए हैं और काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये देखिए। और मैंने इम्पेशेंट के गमलों को यहाँ पर रख दिया है साइड में, और इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही थी, पर जैसे ही बारिश हुई इनके फ्लावर्स भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, तो बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत सारे इसके फूल ख़राब हो गए और पत्तियाँ भी पीली पड़ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके स्टेम्स भी गलने लगते हैं। और इस पिंक कलर के इम्पेशेंट्स में तो बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है, देख सकते हैं आप। कोई ज़्यादा मैं केयर नहीं करती हूँ, कभी कभार मैं सरसों खली का लिक्विड डाल देती हूँ और अलग से मैंने इसमें कुछ भी अभी तक नहीं डाला है। ये जो रेक्टेंगुलर पॉट्स में लगे हुए पिटूनिया हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं बारिश की वजह से, ये थोड़ा ठीक भी है, बाकी 2 तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पर है हमारे पीवीसी पाइप में लगे हुए कैलेंडुलास, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इनमें होती रहती है और अब इनमें सीड्स भी बनने लगे हैं, तो मैं अभी इनके सीड्स रख रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, जैसे ये मैच्योर हो जाएंगे मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी। और इस वाले कॉर्नर में हमारे सारे गुलदावदी के फूल हैं, और जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया ही था कि जैसे ही इनके फूलों पर पानी पड़ता है तो उसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो जस्ट इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई ही थी और बारिश हो गई, इस वजह से ये थोड़े से सही नहीं लग रहे हैं अभी। और यहाँ पर कॉर्नर में एक कूलर के टैंक वाले कंटेनर में मैंने कुछ कॉस्मोस के सीड्स लगाए थे और अब जाकर इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। फ्लावर्स थोड़े छोटे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से सनलाइट नहीं आती है। और इस तरफ है हमारा छोटा सा किचन गार्डन, तो आप टमाटर देख ही सकते हैं, टमाटर काफ़ी सारे छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये देसी टमाटर हैं, कोई हाइब्रिड सीड्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने जो घर में ही उगते हैं उसी को लगा दिया था इसमें। और इसमें ही मैंने सीड्स से उगे हुए कुछ पॉपी के प्लांट्स लगा दिए थे, जिसमें ये पहला फूल खिला है और दूसरा खिलने को है। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मुझे पॉपी के फ्लावर्स बहुत पसंद हैं
और यहाँ पर है ये मेलो का फ्लावर, इसे इंग्लिश में मेलो कहते हैं और हिंदी में मालवा कहते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने इसे नहीं देखा होगा, ये जो है हॉलीहॉक की प्रजाति का ही है। और देखिए इसमें कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो ये एक एक करके बिल्कुल गुच्छे में खिलते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मेरे पास इसके कुछ 3 प्लांट्स हैं अभी। और जो मैंने धनिया लगाया था वो अभी तक चल रहे हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किचन में तो हम यहाँ से फ्रेश फ्रेश हार्वेस्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर पालक लगे हुए हैं, पालक को भी हमने 2 बार हार्वेस्ट कर लिया है। यहाँ पर है हमारा डायंथस का प्लांट और इस तरफ है नास्त्रिशियम, तो ये जो है बारिश की वजह से इसके सारे फूल ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पर है हमारे यूफोर्बिया मिली का प्लांट, एक बार इसने फ्लावरिंग कम्प्लीट कर ली है, अब इसमें छोटे छोटे से दोबारा से फूल आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे दूसरे नास्त्रिशियम का प्लांट है जो वेरीगेटेड वाला है, और ये वही प्लांट है जिसको बंदर ने उखाड़ कर फेंक दिया था, यानी कि तोड़ कर फेंक दिया था। और देखिए मैंने जो कटिंग्स लगाए थे वो सारे ही लग गए हैं। और यहाँ पर हमारे बीट रूट्स हैं, देखिए छोटे छोटे से बीट रूट दिखाई दे रहे हैं, और इसकी भी भाजी हम खाते हैं, तो मैंने एक बार अभी हार्वेस्ट कर लिया था। स्वाद में बहुत ही बढ़िया होती है इसकी भाजी और बहुत ही पौष्टिक होती है, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे देसी गेंदे का पौधा है जिसमें काफ़ी सारी कलियाँ आ रही हैं, और फ्लावर्स के साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बिग साइज़ के फ्लावर्स हैं और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। इधर आ जाते हैं हमारे हैंगिंग बास्केट्स की तरफ जो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, तो इनके भी जो सूखे फूल हैं आप हटाते रहिए जिससे कि ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इनमें। और यहाँ पर है हमारा दूसरा वाला बास्केट और ये भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। और अब आ जाते हैं हमारे मिनिएचर पॉन्ड की तरफ, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं वाटर लिली को लेकर के, तो फरवरी में जब गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी उसके बाद मैं इसे नए वाले टब में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तब तक के लिए ये इसी में ही रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि अभी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं सारे डोरमेंसी में हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए। बाय।